बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज का जो बहुत स्पेशल है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है एक्चुअली, क्योंकि मैंने जो है ना तो अपने किचन का आफ्टर ऑल जो है ना मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्चुअली आखिरकार मैंने तमाम तर स्पाइसेस सारी चीज़ों को ठिकाने लगा दिया हुआ है, और मैंने सोचा मैं ये आपके साथ शेयर भी करूँ, और इंशाल्लाह अब प्रॉपर मैं अपने इस किचन में जो है ना कुकिंग भी करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। वीडियो बहुत स्पेशल लगेगा आपको भी इंशाल्लाह, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना। 97% वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वेरी बैड। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अच्छे बच्चों की तरह, और जितने भी नए लोग हैं आप सबका बहुत 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 दिल से वेलकम, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत सारा शुक्रिया। मैं घर में सबको आपके कमेंट्स पढ़ के सुनाती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों की मेरी आवाज़ अच्छी लगी बाय द वे। चलिए आप लोग वीडियो देखिए अभी।
सो हियर आई एम बैक अगेन इन माय किचन। देखिए जहाँ माशाल्लाह से मैंने सारी चीज़ें ठिकाने पे लगा दी हुई हैं। मसाला जार रेडी करने थे जो भी स्पाइसेस जार में मैंने डाल दिए हैं, अब हमने इनको उठा के इनके ठिकाने पे रखना है आप लोगों के सामने। आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा जरूर। जो चीज़ें रेडी हैं खासतौर पर ये वाले जो मैंने विरास से मंगवाए थे मसाला जार, में काफ़ी सारे ऐसे ना देखने में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, तो मुझे इनका कुछ खास जो है ना सेंस नहीं है इन चीज़ों का फिलहाल। तो मैंने जो ये विरास से ऑर्डर किया था, ये भी मैंने विरास से ऑर्डर किए थे, तो ये हट रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो लगा था ना वो हट रहा है। तो वजह से मैंने सोचा कि मैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम दोबारा विरास से कोई अच्छा सा प्यारा सा पेन मंगवाऊंगी और उसके बाद जब मैं लिखूंगी और इनको जो है तो सारे स्पाइसेस को जार्स में डाल के उसके बाद जो है ना इनको अरेंज करेंगे, फिर वक्त इनको ऐसे रहने दूंगी। लेकिन इनकी पैकिंग बहुत कमाल है, एयर टाइट है, लेकिन ये डाल दिया हुआ है लेकिन ये फिर भी एयर टाइट बंद होता है, ठीक है, इस तरह से ये जिप लॉक है, ठीक है, कमाल की चीज़ है, सही हो गया। इनको रख रही हूँ, बाकी के जो मसाला चाहते हैं ड्राई फ्रूट से जो मेरे बच्चे का थोड़ा बहुत सामान है जो भी है सब कुछ मैंने सेट कर दिया है। ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक्चुअली चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ भी जमा नहीं किया है। अगेन वही चीज़, जितना ज़्यादा मैं जमा करूँगी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम बनेगी, दैट्स मैंने सोचा मोटी मोटी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है फिलहाल, वही सब कुछ करती हूँ। तो आइए इनको अपने ठिकाने पर लगाते हैं। ओके इट्स टाइम टू अरेंज ऑल द स्टफ। यहाँ पे तो मैंने ये वाले रखी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं बाइकआउट कर रही हूँ, आप मेरी बाइकआउट करना है, पहले लिप्टन के डब्बे आते होते थे मेरे घर, ये वहीं जा रही थी, मैंने कुछ भी मार्केट से नहीं लिया। तो ये वाला जो है ना ये पाल लेना के आजकल मार्केट में ये आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग भी जो है ना बाइकआउट ज़्यादा ज़्यादा जोर होना चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत वर्क कर रहा है माशाल्लाह से। सो हियर यहाँ पे जो हमारे बहुत बेसिक मसाले ये सॉसेस वगैरह हमारे बहुत हर खाने की जान भाई, ये भी यहाँ पे सेट कर दिए हैं। और अब बाकी का ओके, अब इस वाले पे जो है ना ये स्पाइसेस सारे रख रही हूँ, ये साथ में मेरे फेवरेट पापड़ी और कुछ अच्छा ये जो बहुत बारीक वाले थे ना इनको मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया और बस ये सेट हो गया, यहाँ पे आसानी से आ जाएंगे। अब ऐसे मुझे यहाँ से इनको यूज़ करने में आसानी होगी, वापस से ये जो है तो हो जाते हैं, एयरटाइट लॉक भी होते हैं, तो इसी से मुझे कोई डर नहीं है, अगर मैंने नुकसान किया ना तो आई पुट ऑल द स्टफ इन बास्केट इजी काम है। चलो मैं यहीं से सेट कर रही हूं, टेबल पे मुझे लगता है मुझे ये वाला भी खाली करना पड़ेगा, करते हैं। छोटू सी मेरी प्यारी सी टाइमिंग लाइन की मेरे लिए, मेरी कज़न ने मुझे दिया था, इनको मैं क्लॉक वगैरह यूज़ करूँगी। ओके हियर बचे बचे मसाले इस तरह से खाना पूरा इस तरह से करेंगे और ये खड़ा हो सकता है, मैं सोच रही थी लिखा है ना किसी को उतार के तो अपने लगा दूँ, कहते हैं ठीक हो गया लगे ना, यस आई थिंक वेरी गुड, यस मेरे को लॉट ऑफ स्पेस बट इज ओके डज मैटर। हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, किसी हम बगैर फ्रिज के रखें तो आई होप ये सेट रहेंगे, ठीक है, मैं इसे रख रही हूँ, अदरवाइज आपको कोई इशू हो तो आप लोग फ्रिज में रखिएगा, ठीक हो गया। अच्छा आप जो मेरे बाकी के वो जार्स हैं ना वो छोटे वाले वो सारे मैंने यहाँ पे सेट करने, ठीक है, यहाँ से सुपर वाला स्पाइसेस वाला सेट है ना, ये रखो सुपर जो हमारे मसाले हैं, और ये आ गए जनाब कॉर्नफ्लोर, ये वाइट तिल और ये आ गया मेरी पॉपलेट, ये हट रहा है ऊपर से बट इट्स ओके क्या किया जा सकता है, ये बाकी इसके लिए हमारी किचन में रही, ये हमारे स्पाइसेस जो हमारे हर घर में हर पाकिस्तानी काम की जान भाई, ये सारी सारी मैंने एक तरफ छोड़ने से अच्छी खासी स्पेस लगी थी मुझे, अभी मुझे जान करें भाई ये आ गया गार्लिक और जो चीज़ें ऐसे कर रही है और इसमें आप ही नहीं रख रही हूँ, फ्रिज में रखूंगी था, ये बस मैंने छोटू सा रेक तैयार किया है, ये दोनों ऊपर उठा के रखी हैं, इस तरह से अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे सेम है दोनों, साथ में स्प्रिंकल्स आ गए हैं, ऊपर बेसिक मसाले आ गए, ये वो सारे के सारे मसाले जो मैंने दराज से मंगाए थे, अब मुझे कंप्लीट लुक लग रही है, कुछ कमी पेशी हुई तो पूरी करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ ना, वहाँ और कुछ आना नहीं है सीधा सीधा, ये मैं बेकिंग पाउडर और सोडा यहाँ पे रख लेती हूँ और ये साथ में थोड़ा सा मैंने कलर जो है तो वो रखा था यहाँ पे सेट कर लेती हूँ, फिर यहाँ भी ये सारे का सामान भी जो है ना सब कुछ ठिकाने पर लगाऊंगी, ऐसे सफाई सफाई कर लेते हैं, इसको भी ठिकाने पर रखती हूँ, काफ़ी दिनों से चीज़ें इधर उधर हुई थी, दराज की अनबॉक्सिंग हो रही थी, यहाँ पे सारा सामान मैंने यहीं पर रखा होता था ये काउंटर टॉप पे। ओके पुरानी लुक में वापस लाएंगे इसको, ये हमारा क्या था ये काउंटर टॉप के लिए मैंने इसको सेट किया था, मेरी बास्केट थी जो कि टूटी हुई थी तो ये यहाँ पे सेट कर लेंगे, ये तब के पड़े में जनाब मैंने लास्ट टाइम आपके साथ वीडियो शेयर किया था तब के पड़े में किसी ने हाथ भी लगाया ना बेचारे ऐसे कैसे पड़े में, लेट मेरे अलग अलग हैं आई नो डैट कि वो शायद अच्छे ना लग रहे हूँ बट इट्स ओके, ये हो गया इसको भी लगाएंगे ठिकाने पर हेयर जनाब, लेकिन इससे थोड़ी बहुत डस्ट पड़ी हुई है इंशाल्लाह वो भी मैं सुबह सारे बर्तन धो लूँगी इंशाल्लाह, मैंने कुछ इस तरह से सेट किया था इसको, नहीं ओवन टेस्ट थोड़ा इस तरफ करते हैं ताकि ओवन भी बन वक्त पे ज़रूरत साल के जाए, मुझे पता है वो बहुत स्लो हो रही है इस वक्त आधी रात का वक्त है क्या करें, यहाँ पे जो मैसे ये भी समेट लेते हैं अभी के अभी एक दोनों को फिर वक्त मैसे उठा के ओवन सेट कर देती हूँ, रख देती यूज़ तो होता नहीं है, ये मेरी फेवरेट है जहाँ इसमें मैंने चाट मसाला रखा होता है, दूसरी वाली टूट गई पूरा सेट था मैंने आपको दिखाया था तो अब ये यहाँ पर खूबसूरती के लिए आ गई है, ये भी थी मैंने एक्चुअली इसको इसी तरह यूज़ करा था, मैंने इसमें फालतू से टिश्यूज़ डाल दिए और इसको थोड़ी सी लुक दे लेते हैं, बिल्कुल सारा बीच में जा रहा था मैं सोचा फोटो टिश्यूज डाल देती हूँ बीच में, यहाँ पे फूल के अलावा कैसा लगेगा वाह, देखिए हम उसको कहाँ पे रख रहे हैं, अच्छा ना मेरा मनी प्लांट उसे मैंने उठा दिया था खिल नहीं रहा था, बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि भाई खजान का मौसम चल रहा है कहाँ से खिलेगा बेचारा बट इट्स ओके अब नीचे चला गया है, इसको नीचे फेंक देते हैं भी फैशन है वैसे ठीक लग रहा है, ठीक हो गया हाउ इट्स लुकिंग गुड।
सो हेयर इसकी फाइनल लुक देखिए मेरे किचन की जनाब, ये आगे मेरे वो रेक जो मैंने खुद बनाए थे और सारी डेकोरेशंस मैंने इसे उठा ली हैं, और वो ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, एक्चुअली ये मैंने अभी अभी जो है ना इसमें रखा है ब्राउन शुगर डाल के रखी है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए जो भी चीज़ बनाती हूँ ब्राउन शुगर बनाती हूँ। बाकी इसके नीचे ये सारा एरिया मैंने सोचा मैं साथ साथ आपको बताऊँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करते हुए समटाइम्स ना भूल जाती हूँ। ये मुझे प्यारा सा गिफ्ट मिला था, मुझे किसी लड़की ने पूछा आप ये आपने इसका लिंक नहीं दिया, तो इसलिए मुझे गिफ्ट मिला था। ये आगे मेरे नमक मिर्च मसाले, ये यहाँ पे मैंने वो वाला दूसरा वाला हटा ही दिया था, बस इसी में चम्मच वो रखी थी। ये मेरी मटका मटकी जो भी वट एवर, ये मैंने वैसे भी डेकोरेशन के लिए रखा है, मैं इसमें से कैंडल्स बनाऊंगी। और ये जनाब मैंने चावल जो है ना वॉश करके अच्छे से मैंने धूप में ड्राई किए हुए, इसका मैं आपको बाद बताऊंगी मैंने इसका क्या करना है। और ये स्टैंड जो है ना, ये वाला स्टैंड मैंने लिया है दराज से अभी रिसेंटली, तो इसमें देखिए सारी ट्रेज और प्लेट्स जो कुछ भी मैंने रखना था, मज़ीद इसमें काफ़ी सी चीज़ें आ सकती हैं। ये देखिए पहले भी मैं अपनी किचन की कंप्लीट लुक आपको दिखा चुकी हूँ, नीचे जो मैट पड़ा हुआ है ये मुझे काम आता है वीडियोज़ में जो फाइनल लुक वगैरह के लिए। यहाँ पर बर्तन धो के रख लिए हैं, ये भी हो गया जनाब, ये फूल आजकल रुके हुए बढ़ नहीं रहे हैं। और ये आ गया यहाँ पे इसकी फाइनल लुक, ये आ गया यहाँ पे मेरा ओवन ऊपर, ये देखिए मैंने इसको भी प्यारा कर दिया अपनी तरफ से, तो अच्छा लग गया ना, लग रहा है तुम्हें बताइएगा। मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, सब सोए हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे भी आपसे इजाज़त चाहनी चाहिए। मेरे छोटे से बेटे ने अभी मुझे कॉल करके मामा मामा बुलाना शुरू कर दिया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे इजाज़त दीजिए। और ये देखिए हम मिड नाइट यहाँ हीटर लगा के किचन में खड़े हुए हैं। ओके टेक केयर, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप सोच होंगे जहाँ से यहाँ से जो मैंने इतना सब कुछ उठाया था कहाँ गया, तो ये नीचे मेरे पास पड़ी हुई है जनाब, ये इस तरह की दो दो पेटियाँ, तो सारा वो एक्स्ट्रा सामान जो होता है ना वो मैं इसमें रख लेती हूँ, जो थोड़ी बहुत चीनी वगैरह बच गई थी, जो भी स्पाइसेस वो मैंने उठा के उसमें रखती हूँ। इस तरफ बास्केट है और वाइपर है, इस तरफ मेरे क्राफ्ट का एक्स्ट्रा सामान है सारा, ये जो मैंने इस बार दराज से मंगाया वो सारा सामान भी है, कुछ ताने वगैरह पड़ी हुई है जो भी है व्हाटएवर, तो ये सारा मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और दो में याद रखिएगा आप तो प्यारे को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत प्यारा मज़ेदार सा करते हुए, तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।